मैं आपको बता रही थी कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली पाइथन में कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं बताया था आप लोगों को मैंने। फिर हम आज बात करेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम पूछे आपसे व्हाट इज़ डिसीजन ऑपरेटर, व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर, तो कैसे बताओगे, ठीक है ना। कंडीशन मतलब ध्यान रखना कि कंडीशन अगर पूछ रहा है अगर आपसे, तो आप कैसे पूछ रहा है कि इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, इफ क्या होता है फंक्शन, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है आपसे। डिसीजन मतलब ऑब्वियसली बात है जहाँ कंडीशंस होते हैं वहाँ डिसीजन भी ले जाते हैं, अगर कंडीशंस नहीं होगा वहाँ डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। जैसे मान लो डिसीजन बॉक्स आपके पास बना हुआ है, अगर कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आप सेकेंड बॉक्स में प्रोग्रेस करोगे, ट्रू बॉक्स में प्रोग्रेस करोगे, फॉल्स होगी तो फॉल्स बॉक्स में प्रोग्रेस करोगे। ऐसे इस तरह की चीज़ें अगर हम कहीं फेस करते हैं प्रोग्राम में तो उसे हम डिसीजन स्टेटमेंट कहते हैं या फिर कंडीशन स्टेटमेंट कहते हैं या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसका नाम में कन्फ्यूज़न मत होइएगा, तीन इसके तीन या चार नाम हैं, मैं आपको बता रही हूँ। पहला नाम इसका है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा नाम है इसका कंट्रोल स्टेटमेंट, और तीसरा इसका नाम है डिसीजन स्टेटमेंट। तो तीनों एक ही चीज़ है, तीनों क्या एक ही चीज़ है, पूछे कभी भी आपको तो आपको यही बताना है, ठीक है ना। अगर इसका वर्किंग आता है तो इसका फ्लो चार्ट जो आपको नोट से मैंने दिया है, फ्लो चार्ट बताएंगे आप, फ्लो चार्ट क्या होता है, देन उसका डेफिनेशन बताएंगे आप, फिर उसके बाद उसके प्रोग्राम के क्लाइंट के जो प्रोग्राम मैंने कराती हूँ आप लोग को, वो सारे प्रोग्राम बताएंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम पढ़े थे, एलिफ तक हो चुका था हमारा, हमें यहाँ देखना था एल्स का, एल्स का भी हम लोग देख चुके थे कि एल्स का कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। हम देखते हैं अब एंड का यूज़ कैसे करते हैं, एंड और का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ से पढ़ना था। एंड कीवर्ड इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इट इज़ यूज टू कम्बाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर दो कंडीशन स्टेटमेंट को हमें कंबाइन करना है तो वहाँ पे हम एंड का यूज़ करते हैं। जैसे ए इज़ इक्वल टू 200 लिखा है, बी इज़ इक्वल टू 33 लिखा है, सी इज़ इक्वल टू 500 लिखा है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ए, प्रिंट बोथ कंडीशन आर ट्रू। अब इसी बात है कि अगर आपको एक ट्रू होगा, अगर दोनों कंडीशन ही ट्रू होंगे तभी जाके आपको आउटपुट मिलेगा, तब आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसमें दे रहा है ए की वैल्यू क्या है, आप खुद देख रहे हो ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी है ऑब्वियसली बात है, और सी की वैल्यू भी ए से क्या है बड़ी है। इसका मतलब ये कंडीशन जो दी है वो ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट हो गया, बोथ कंडीशन आर ट्रू, आपका एक भी आपको आउटपुट प्रिंट हो गया। और में देख लेते हैं, द और कीवर्ड इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इट इज़ यूज टू कम्बाइन अ कंडीशनल स्टेटमेंट, टेस्ट इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ए इज़ इक्वल टू 200, बी इज़ इक्वल टू 33 एंड सी इज़ इक्वल टू 500। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन सी, प्रिंट एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस ट्रू। एंड में क्या होता है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ही आपको आउटपुट आएगा, जबकि और में क्या होता है, और में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगा आपका तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको रन करा के, ठीक है, रन कराया हम लोगों ने। ए इज़ इक्वल टू 200, बी इज़ इक्वल टू 33, सी इज़ इक्वल टू 500। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, प्रिंट एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू। तो क्या लिख रहा है, दोनों ही कंडीशन आपके ट्रू है तो लिखा है एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू। आपका ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी है, ए की वैल्यू क्या है, सी से बड़ी नहीं है, है ना। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है, सिर्फ एक पहला कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो आपका आउटपुट आपका ये आएगा, ठीक है ना। और एंड में क्या था, दोनों दोनों के दोनों इसमें दोनों ट्रू होने चाहिए तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आपका एंड और हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड इफ़ क्या होता है। यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब कहने का मतलब हिंदी में क्या हुआ कि अगर आपने इफ स्टेटमेंट कंडीशन लगा, उस कंडीशन के अंदर भी कोई कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर भी कोई कंडीशन, ऐसे करते बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। मान लो कि आपको बोला जाए कि कोई पजल खेलते हैं, पजल्स गेम जानते हैं ना आप लोग, पजल का गेम। जैसे क्या होता है, मान लो कि आपको बोला जाए कि कोई विंडोज़ है, अपने विंडो वन क्रॉस करेंगे तो विंडो टू में जाएंगे, विंडो टू जाने के बाद आपको विंडो थ्री क्रॉस कर, अब विंडो टू क्रॉस करना होगा तो थ्री में जाएंगे, थ्री में जाएंगे तो फिर थ्री क्रॉस फोर में जाएंगे, फोर क्रॉस करेंगे तो फाइव में जाएंगे, ऐसे करके आप विंडो सारे क्रॉस करते जाएंगे, फिर एट लास्ट आपको आप उस पर्टिकुलर हाउस से निकल पाओगे। ऐसे होता है ना पजल वगैरह क्विज, या फिर क्विज पजल भी कैसे होते हैं, मान लो आपने एक पजल सॉल्व किया, फिर आपने एक और सॉल्व किया, एक सॉल्व किया फिर एक और नया पजल आया, फिर एक और फिर नया पजल आया, ऐसे करते करते आपके 10-15 पजल्स आ गए, तब जाके आपको आंसर मिला कि आप विनर हो कि आप लूज़र हो कि आप क्या हो। ऐसे करके जब इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं ना तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, मतलब कंडीशंस के अंदर कंडीशन, कंडीशंस के अंदर कंडीशन, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हमें प्रिंट होती रहती हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं,
नेस्टेड इफ देख लेते हैं एग्जांपल एक बार क्या हो रहा है। जैसे लिखा है x इज इक्वल टू 41 इफ x इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट अबव 10 इफ x इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट एंड ऑल्सो अबव 20 एल्स प्रिंट बट नॉट अबव 20 ऐसे क्या लिखा हो ना। तो ये सारी चीज़ें क्या लिखा है मैंने पहले इफ़ एक कम कंडीशन दिया है कि एयर वैल्यू क्या हो 10 से बड़ी, फिर दोबारा फिर इफ़ दिया है 20 से बड़ी हो, फिर एल्स कर दिया मैंने, ठीक है ना। इफ़ एल्स मतलब नेस्टेड इफ़ तो है ही है क्योंकि इफ़ के अंदर भी एक और इफ़ कंडीशन है, फिर देन एल्स पे चला जा रहा है। तो इसको हम देखते हैं कैसे ये प्रिंट होकर आता है, देख लेते हैं आउटपुट। इसका लॉजिक आपको मैं समझा दे रही हूँ। लॉजिक में क्या है कि अगर आपने एक कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू होना, फिर उसके नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू होगा। मतलब कहने मतलब हमारे लिए वन है, फिर वन के अंदर एक और वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहले फोर ट्रू करना है, फिर थ्री ट्रू करना है, फिर वन ट्रू करना है, फिर आप जीरो पे आओगे, ठीक है ना। मतलब थ्री टू वन ऐसे बैकवर्ड में चलता रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका प्रिंट होके वैल्यूज आती रहती है, ठीक है। पास स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो आपको पता है कि इफ वह कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, उसके बाद कंडीशन नहीं, तो कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ेगा। बट इफ़ यू फॉर सम रीज़न हैव एन इफ स्टेटमेंट विद नो कंटेंट, पुट द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड द गेटिंग एन एरर। अगर आपको लगता है कि कोई कंडीशन नहीं देना है, बस आपको ये प्रिंट कराना है दोनों में से कौन सी वैल्यू को, कोई भी आपको प्रिंट में नहीं लिखना है, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देना है आपको, तो आप सिंपल पास का यूज़ कर सकते हो। पास का यूज़ करोगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ उसको कंटेंट फ्री भी नहीं होगा, आपको कोई एरर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको सीधे आउटपुट आ जाएगा। देखो लिखा हैविंग एन एम्प्टी एम्प्टी इफ स्टेटमेंट लाइक दिस वुड रेज एन एरर विदाउट द पास स्टेटमेंट, ठीक है। एम्प्टी नहीं हो सकता इसलिए आपको दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लूप आ गया। लूप क्या होता है बेसिकली, लूप क्या होता है, पाइथन इज़ टू प्रिमिटिव लूप कमांड्स वाइल लूप एंड फॉर लूप, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आप क्या आता है बी ए वाइल लूप फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने सर प्रोग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे उसका जो मैंने कंडीशन ऑपरेटर पढ़ाई थी आप लोग को, कैसे उसका फ्लो डायग्राम कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, देख लेते हैं एक बार। लिखा है द इफ स्टेटमेंट यूज टू टेस्ट द पर्टिकुलर कंडीशंस एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू द एग्जीक्यूट अ ब्लॉक कोड ऑफ अननोन एज अ इफ ब्लॉक। द कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट कैन बी एनी वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशन विच कैन बी आइदर इवेलुएट टू ट्रू और फॉल्स। क्या है इसमें आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कंडीशन ब्लॉक बॉक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक कोड्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इफ कंडीशन में, हम कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन में ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका वहीं पे कंडीशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका नीचे देखिए स्टेटमेंट, इसका सेंटेंस दिया होगा, इफ एक्सप्रेशन दिया है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, आप कितने स्टेटमेंट दे सकते हो। अगर आप एक्सप्रेशन जो कंडीशन होगा एक्सप्रेशन होगा वो आपका ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन प्रिंट होगा, फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट टू प्रिंट होगा, ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। छोटा सा कोड यहाँ पे देखो दिया हुआ है, लिखा एकदम इनपुट दिया हुआ, एंटर द नंबर प्रिंट नंबर इज इवन, लिखा इवन द नंबर इज 10 नंबर इज इवन। आपको बताना है कि नंबर कौन सा है, मैंने कंडीशन दिया इफ में और बताना है कि नंबर आपका जो इवन है कि ऑड है, तो आप ये लिख के दे सकते हो कि आपका नंबर इवन है कि ऑड है, ये प्रिंट कराइए, तो आपको ऐसे प्रिंट करा के देगा ये, ठीक है। प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, तीन नंबर में पता करना है तीन नंबर में कौन सा नंबर जो है लार्जेस्ट है। तो पहले हम ये तीन वेरिएबल लेंगे, ए बी सी, तीन वेरिएबल्स लेंगे, इन तीनों वेरिएबल में वैल्यू को पास करेंगे, पहले हम इंटर ए इंटर बी इंटर सी करेंगे। आप चाहो तो कोई वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे 10, 20, 100 जो भी आपको ले सकते हो, आप वैल्यू इंटर कर सकते हो। फिर हम कंडीशन पहला देंगे, एंड का यूज़ करेंगे, मैंने अभी आपको पढ़ाया ना एंड कैसे यूज़ करते हैं, तो एंड का यूज़ करेंगे यहाँ पे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी प्रिंट ए इज़ लार्जेस्ट। अब इस बात है अगर तीन एलिमेंट है तो पहले एक का दोनों से कंपेरिजन कर, ए का बी सी से कंपेरिजन कराएंगे, फिर बी का सी ए से कराएंगे, फिर सी का ए और बी से कराएंगे कंपेरिजन, ठीक है ना। इस बार तीन कंडीशन हमारे बनेंगे। सबसे पहले हमने ए लिया, ए को मैंने बी से कंपेयर कराया, फिर सी से कंपेयर कराया, ए इज़ लार्जेस्ट लिखा, फिर बी लिया, फिर बी को मैंने ए से और सी से कंपेयर कराया, फिर लिखा बी इज़ लार्जेस्ट, फिर सी लिया, सी को मैंने ए और बी से कराया, फिर लिखा सी इज़ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इस तरह से आपका तीन नंबर का प्रोग्राम भी बना सकते हो इफ का यूज़ करके। नेक्स्ट आपका आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, इसमें क्या था आपका, इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड द एल्स ब्लॉक कंबाइंड विद द इफ स्टेटमेंट विच इज़ एग्जीक्यूट इन द फॉल्स केस ऑफ द कंडीशंस इफ द कंडीशन इज ट्रू।
देन द इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। और मान लीजिए आप एल्स का यूज़ नहीं करते थे पहले, इफ में मैंने एल्स का यूज़ नहीं किया था, सिंपल इफ का यूज़ किया था, तो ट्रू वाला बॉक्स प्रिंट होगा ही। अदर जैसे फॉल्स होगा आप लूप से बाहर चले जाओगे, मतलब आपका लूप पे प्रिंट, लूप मतलब कंडीशन आपका प्रिंट नहीं होगा, सॉरी कंडीशन आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इफ एल्स का यूज़ कर रहे हो तो इफ में हमेशा हम ट्रू ब्लॉक्स देते हैं और एल्स में हम फॉल्स ब्लॉक्स देते हैं। मतलब कि अगर स्टेटमेंट वन आपका, अगर आपका कंडीशन कंडीशन आपका ट्रू नहीं हुआ तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा, एल्स पे जो कंडीशन दिया होगा वो ट्रू, वो हम लोग चेक करेंगे, अगर वो ट्रू होगा तो आपका स्टेटमेंट वो प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे लिखा इंट इनपुट इंटर द नंबर, इफ नम परसेंटेज टू इज़ इक्वल टू जीरो, प्रिंट नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। ठीक है, प्रोग्राम दिखा सबको। फिर नेक्स्ट आपका है एलिफ स्टेटमेंट, जो आपको पहले बता चुकी हूँ। एलिफ में आप मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हो आप लोग एक साथ, इफ एल्स एल्स में या फिर इफ एलिफ एल्स में कर सकते हो आप, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं उसका। तो बेसिकली क्या होता है कि द एलिफ टू चेक द एक्सिक्यूट एनी स्टेटमेंट टू कंडीशन हैव एनी स्टेटमेंट इन द डिपेंडिंग अपॉन द यूजिंग एलिफ। द एलिफ इज़ अ इफ एल्स इफ इट मस्ट बी स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इनेबल अस टू मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन द अमंग दैम वी कैन नंबर ऑफ एलिफ आर प्रोग्राम आवर नीड टू हाउ एवर द ऑप्शनल एंड द स्टेटमेंट वर्क लाइक अ लेटर स्टेटमेंट इन सी सक्सेस बाई अ इफ। ठीक है ना, आपको क्या हो रहा है, लेटर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि कंडीशन वन पहले चेक करेंगे, कंडीशन वन आपकी ट्रू होगी तो आपका स्टेटमेंट वन प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स होगी तो हम कंडीशन टू पे आएंगे, कंडीशन टू को चेक करेंगे, कंडीशन टू अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट टू प्रिंट होगा, फॉल्स होगी तो कंडीशन थ्री पे जाएंगे, कंडीशन थ्री पे चेक करेंगे, कंडीशन थ्री ट्रू होगी तो स्टेटमेंट थ्री प्रिंट होगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ऐसे नेक्स्ट करते करते बहुत सारे आप स्टेटमेंट एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हो। इसका सेंटेक्स है आप देख रहे हो, पहले लिखा है इफ एक्सप्रेशन लिखा है, फिर ब्लॉक स्टेटमेंट लिखा है, फिर एलिफ लिखा है, फिर एक्सप्रेशन टू लिखा है, फिर एलिफ लिखा है, एक्सप्रेशन थ्री लिखा है, देन एल्स लिखा है। जितने ब्लॉक स्टेटमेंट है आपको प्रिंट होंगे, एक्सप्रेशन वन मतलब आपने जो कंडीशन दिया पहले वो चेक होगा, चेक ट्रू होगा तो ब्लॉक स्टेटमेंट वन प्रिंट होगा, आपका एक्सप्रेशन वन आपका ट्रू नहीं फॉल्स हुआ तो आप एलिफ एक्सप्रेशन नंबर टू पे जाओगे वो चेक होगा, अगर वो आपका ट्रू होगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर वो फॉल्स होगा तो आप एक्सप्रेशन नंबर थ्री पे जाओगे, एक्सप्रेशन थ्री चेक होगा, वो ट्रू होगा तो आपको ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर आपको वो फॉल्स हुआ तो फिर से आप एल्स पे जाओगे, फिर एल्स का चीज़ें प्रिंट होगी। ऐसे करते हैं आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोग्राम छोटा सा है देख लो, इसमें लिखा मार्क इंटर नंबर, हमने नंबर इंटर किया, इफ मार्क इज़ ग्रेटर दैन 85 एंड मार्क इज़ लेस दैन इक्वल टू 100 प्रिंट द कांग्रेस यू स्कोर ग्रेड ए, एंड इफ मार्क इज़ ग्रेटर दैन 60 एंड लेस दैन इक्वल टू 85। ठीक है, यू स्कोर इज ग्रेड बी प्लस, एलिफ मार्क ग्रेड इन 40 एंड मार्क 60 प्रिंट यू स्कोर ग्रेड बी, एंड एलिफ मार्क 30 एंड मार्क 40 प्रिंट यू स्कोर ग्रेड सी, एल्स द प्रिंट सॉरी यू आर फेल। ठीक है, ऐसे आप प्रिंट करा सकते हो कोई प्रोग्राम, आप इसके जगह कोई प्रोग्राम लिख के ऐड कर सकते हो उसको प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, देख लो इसको एक बार ध्यान सब लोग, कोई अगर इस पर डाउट लग रहा है तो मैं थोड़ा दो मिनट और होल्ड कर लेती हूँ, देख लो बस को लिख लो प्रोग्राम को, इसको आपको नोट्स में होगा ही सब कुछ। वैसे
देखते हैं नेस्टेड इफ लेते हैं। पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स टू प्लेस वन वन इफ स्टेटमेंट इन साइड द अनदर इफ स्टेटमेंट। ये बताया ना आपको इफ कंडीशन है, फिर उसके अंदर एक कंडीशन है, ऐसे जगह चलते इस तरह का स्टेटमेंट है करो तो उसको ऐसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन 1, 2, 3 लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन 1 चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, फिर 1 और 2 अगर इवेल्यूएट करेंगे, फिर ब्लॉक स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। ऐसे ही आपका नेस्ट इफ के अंदर इफ कंडीशन होती है, पहले उसको चेक करते हैं, पहले इनसाइडर इफ चेक होता है, फिर आउटसाइडर इफ चेक होता है, ठीक है ना। उसके बाद उस वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिया हुआ है 4 इंटर नंबर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ नंबर इज 0 प्रिंट 0, एल्स प्रिंट द पॉजिटिव नंबर, एल्स नंबर इंटर किया 5 पॉजिटिव चेक किया है कि नहीं है, इंटर 60 नेगेटिव चेक किया, वैल्यू को प्रिंट करा दी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके एग्जाम में एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। अ पाइथन प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट, पाइथन एग्जीक्यूट दिस सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट इज स्पेसिफिक कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल ऑर्डर। अ पाइथन प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट, पाइथन एग्जीक्यूट दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इन स्पेसिफिक कंसिस्ट एंड प्रेडिक्टेबल ऑर्डर। अ पाइथन स्टेटमेंट कंटेन द 0 or more एक्सप्रेशंस। अ स्टेटमेंट टिपिकली हैज अ साइड इफेक्ट सच एज द प्रिंटिंग आउटपुट एंड कंप्यूटिंग यूजफुल वैल्यूज और चेंजिंग द विच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट नेक्स्ट। वॉट इज मीन ऑफ दिस लाइन व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन? इट मीन्स वी टॉक अबाउट द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ द लिटरल ऑपरेटर एंड ऑपरेंट्स एंड मे बी इट इज़ ओनली द टू वैल्यूज 2+1, 3+1 या 5+1, मे बी इट इज़ 2 × 10 प्लस 6/3। तो लाइक इफ यू सी द स्टेटमेंट लाइक दैट, इट मीन्स कि इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन इवेल्यूएशन। इफ यू वॉन्ट टू इवेल्यूएट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग द बॉडमास रूल and after that you get a output on that expressions. So this line I'm going to tell this line, this expression evaluations theek hai. Next up ka hai lateral expressions. Lateral expressions evaluate to the value to represent. Here are some example of literal expressions and the value which is they evaluate. What is mean of literal? Literal का मतलब होता है constant value. जब भी आपकी expression में कोई constant value अगर दिख रही है आपको तो उसे आप literal value बोल सकते हो, ठीक है ना। दिस इज जैसे लिखा है 17 इंटीजर टाइप का लिखा है, फ्लोट टाइप की वैल्यूज लिखी है, सब आपको literal है क्योंकि वैल्यू क्या आपकी कॉन्स्टेंट है, इसे कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। ऑपरेटर एक्सप्रेशन क्या होता है? बाइनरी एक्सप्रेशन। बाइनरी एक्सप्रेशन इज द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई टू द टू ऑपरेंड्स एक्सप्रेशंस। अ बाइनरी ऑपरेटर इज ऑपरेटर दैट टेक अ टू आर्गुमेंट, फॉर एग्जांपल प्लस और डिवीजन। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ईच व्हिच ऑफ इवैल्यूएट द नंबर्स 2 × 5 = 10, 14+10 = 22। हियर आर सम example of the binary arithmetic expression, each of the evaluate are two numbers. What is mean of arithmetic operations? Basically arithmetic operations are used in mathematics when you are class 10th, class 12th and BTech first year. You very much familiar of this type of expressions because there is a lots of expressions in mathematics and you are very much familiar to how to solve this type of expressions in mathematics. But if you are using any programming language, we are not much familiar because in programming language we are write this line. If I want to print 2 × 5 = 10, then I use to write the if
इफ कंडीशंस एंड देन एक्सप्रेशंस एंड देन प्रिंट टेन प्रिंट द नंबर्स ऑफ टू इंटर द टू नंबर्स लाइक दैट. तो सो दिस जस्ट डिफरेंस ऑफ दिस डिफरेंस इज जस्ट वन थिंग वन लाइन इज डिफरेंस. टू इंटू फाइव इज इक्वल टू टेन एंड टू इज वॉट इज मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस दिस वर्ड इन मैथमेटिक्स एंड दिस मॉडर्न प्रोग्रामिंग. बेसिकली प्रोग्रामिंग हैविंग लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड लॉट्स ऑफ कीवर्ड टू राइट अ प्रोग्राम टू यूज टू लिटरल कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स लॉजिकल एंड लॉट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. सो बेसिकली वी आर जस्ट यूजिंग द बाइनरी एक्सप्रेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड मैथमेटिक्स ऑपरेटर टू एक्सप्लेन द एनी स्टेटमेंट एंड इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस. देन इफ यू हैव बूलियन एक्सप्रेशंस देन ट्रू एंड फॉल्स सिक्स सेवन आपको चेक करना है कि आपको जो मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व किया टू इंटू फाइव थ्रू टेन आया अगर ये वैल्यू टेन है तो क्या ये वैल्यू नाइन से बड़ी है कि नाइन से छोटी है. इस तरह के एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करने हैं अगर तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है. तो वहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करना शुरू करते हो एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम में या प्रोग्राम में तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑपरेटर एक्सप्रेशन. कैसे हम ऑपरेटर को एक्सप्रेस करते हैं प्रोग्राम के थ्रू. सम एक्सप्रेशन डज नॉट इवेलुएट द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग फंक्शन. फॉर इंस्टेंस अप्लाइंग द प्लस ऑपरेटर टू स्ट्रिंग वैल्यूज इवेलुएट द कंसिस्टेंस ऑफ द टू स्ट्रिंग. द हैवी हैव अ प्लस वेरी गुड डे हैव अ वेरी गुड डे आपको जो सेंटेंस ऐड करना हो तो आप प्लस का यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे जनरली बाइनरी एक्सप्रेशन हैज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन रिनाउंड एक्सप्रेशन रूल ऑफ द इवेल्यूशंस. पहले इवेल्यूट करने के क्या रूल होते हैं. इवेल्यूट द लेफ्ट ऑपरेंड विच इज़ एक्सप्रेशन टू वैल्यू एंड रिप्लेस दैट ऑपरेंड एक्सप्रेशन विद दैट वैल्यू. ऑब्वियसली बात है कि हम बॉर्ड मास रूम पढ़े थे हम स्टार्टिंग में तो उसमें भी ऐसे कुछ होता था लेफ्ट ऑपरेंड पहले सॉल्व करेंगे फिर राइट ऑपरेंड सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद हम रिजल्टेंट को काउंट करेंगे रिजल्टेंट को सॉल्व करेंगे. तो उसमें मैं लिखा है इवेल्यूएट द लेफ्ट ऑपरेंड टू अ वैल्यू ऑफ द रिप्लेस द ऑपरेंड एक्सप्रेशन विद द वैल्यूज एंड इवेल्यूएट द राइट ऑपरेंड टू वैल्यू ऑफ द रिप्लेस द ऑपरेंड ऑफ एक्सप्रेशन विद द वैल्यूज एंड अप्लाई द बिन ऑफ to the two resultant values obtaining the value of the binary expression and replace the entire binary expression with this values. Compound expressions क्या होता है देख लेते हैं एक बार. When a list of one of the operand itself expressions 2 into 5 plus 1 is expression is a compound expressions. Okay क्या बोल रहे when a, at least one of the operand itself expression मतलब operand operator क्या होता है पता है आप लोगों को. operator मतलब होता है जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर जो बढ़ाते हैं इस ऑपरेटर का यूज़ करके हम दो ऑपरेंड को उसकी रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या उसकी रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं. उसमें क्या बोलते हैं ऑपरेटर एंड ऑपरेंड बोलते हैं ठीक है. तो इसमें बेसिकली दे रहा है वही कि पाइथन व्हेन अ लिस्ट वन ऑपरेंड इटसेल्फ एक्सप्रेशन 2 इनटू 5 प्लस 1 द एक्सप्रेशन इज अ कंपाउंड एक्सप्रेशन एंड द पाइथन फॉलो द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर. सो 2 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वेलेंट टू 2 इंटू 5 प्लस 1. ऑब्वियस बात है ब्रैकेट में कर दोगे तो इक्वेलेंट ही दिखाएगा. इस तरह से आप ब्रैकेट का यूज़ करके कंपाउंड एक्सप्रेशन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो. आपको पता है कि अगर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं तो हम पहले ब्रैकेट में जो चीज़ें होती हैं जो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं उसके बाद ब्रैकेट के बाद किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं ठीक है. सम एग्जाम्पल दिया 2 इंटू 5 प्लस 1 11 2 प्लस 5 माइनस 6 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 इज 3 ट्रू एंड फॉल्स ठीक है. यूनरी ऑपरेटर क्या होता है. यूनरी ऑपरेटर ऑपरेटर एंड सिंगल वैल्यूज इन जनरल यूनरी एक्सप्रेशन हैज़ द फॉर्म ऑफ द टू कॉमन यूनरी ऑपरेटर आर नॉट एंड एंड नॉट ऑपरेटर नेगेटिव बूलियन वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल नॉट फॉल्स इवेल्यूएट टू ट्रू. When used as a unary operator, the operator negative a numerical value. For example, minus 2 into 5 evaluate the minus 10. Rule of the evaluate the unary operator is value. They evaluate the expression to a value and they replace the expression with value. And apply the unary operator to value of the replace entire expression with the new values. ठीक है आप चाहो तो पहले expression को solve करिए negative expression को solve करिए जो values आए फिर उसको replace कर सकते हैं किसी other value से या उसको दिखा सकते हैं. फिर आपका आता है पाइथन लूप. पाइथन लूप क्या होता है देख लेते हैं एक बार. पाइथन द लूप ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सीक्वेंशियल बाय डिफॉल्ट ठीक है. समटाइम वी नीड टू अल्टर द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड द एग्जीक्यूट ऑफ ए स्पेसिफिक कोड मे नीड टू बी रिपीटेड सेवरल नंबर ऑफ टाइम. फॉर दिस पर्पज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ लूप
विच आर कैपेबल ऑफ रिपीटिंग सम स्पेसिफिक कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम एंड कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ लूप स्टेटमेंट। ठीक है, क्या हो रहा है? लूप क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर ने बढ़ाया आप लोगों को। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या था? कंडीशनल ऑपरेटर में ये था कि जब भी हमें कहीं कंडीशन को सेटिस्फाई कराना था, हम कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे थे, कंडीशन को चेकआउट करा रहे थे, अगर कंडीशन हमारा सही था तो स्टेटमेंट आपका इवेल्यूएट हो रहा था, प्रिंट हो रहा था, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रहा था। ठीक है, यह क्या था लोग, एल्स में क्या था कि अगर कंडीशन आपको, इफ़ कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट आपका तो एग्जीक्यूट हो रहा था। ऐसे ही हम करते भी तक आ रहे थे। ठीक है, अब हम लूप देखते हैं, लूप की नीड क्यों पड़ी, लूप की जरूरत क्यों पड़ी। अगर बस इफ़ कंडीशन एल्स था तो हमें लूप क्यों पढ़ना पड़ा, हमें लूप क्यों पढ़ना पड़ा, लूप क्यों लाया गया, बताती हूँ मैं आप लोगों को। बेसिकली क्या था कि जब कंडीशन का यूज़ करना हम सीखे थे तो हम देखे थे कि कंडीशन में कुछ लिमिटेड एलिमेंट को ही हम प्रिंट कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड स्टेटमेंट को ही प्रिंट कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ों को हम प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि इफ़ में कंडीशन में आप बेसिकली इजीली सी सकते हो कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 या 5 इज़ या फिर 29 इज ग्रेटर देन 30 तक प्रिंट कराएगी, ऐसे वैल्यू लिख सकते हो आप लोग, तो फिर वहाँ तक ये वैल्यू आपको प्रिंट करा के दे देगा एक साथ। लेकिन जब हम लूप का यूज़ कर रहे थे, लूप में क्या था कि मे बी हमें लूप में एक एक एलिमेंट चाहिए था, मतलब हमें सिर्फ कंडीशन चेक नहीं करानी है कि वो वैल्यू, जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसमें एग्जिस्ट कर रही है उस रेंज में, ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि अगर उस रेंज में एग्जिस्ट कर रही है तो सारी वैल्यू मुझे प्रिंट होकर भी आ जाए साथ में। ठीक है, उसमें क्या था, इफ़ में क्या था कि हमें बस पता करना था क्या वो वैल्यू जो है, वो वैल्यू क्या 50 से लेस देन है या इक्वल टू है या ग्रेटर देन है कि नहीं, बस ये चेक करते थे हम इफ़ कंडीशन में। है अगर तो प्रिंट आउट आपको जो एक्सप्रेशन था वो मिल जा रहा था, और नहीं है तो फॉल्स कंडीशन में आपको एस में जाके ब्लॉक प्रिंट हुआ था, यही कर रहे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर यह होता फाइल में कि अगर हम कोई रेंज दे रहे हैं, उस रेंज के साथ हमें पता करना हो कि उस पूरे एलिमेंट, जो हमारा एलिमेंट है, उस एलिमेंट में कैसे वैल्यू जो है, कैसे कितनी वैल्यू, जितनी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है 1 से लेके 50 तक जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एक साथ आपको प्रिंट हो जाएँ कंडीशन के साथ, कंडीशन को सेटिस्फाई करे, फिर उस सारे के सारे वैल्यू वन बाई वन आपको सब प्रिंट हो जाए। इसे हम बोलते हैं लूप, इसे लूप का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लूप में इटरेशन होता है, इटरेशन मतलब आप एक एक पॉइंट, एक एक एलिमेंट को सर्च आउट करते हैं, एक एक पॉइंट पर लूप को लगाया जाता है, अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको वैल्यू प्रिंट हो जाती है, और जैसे ही आपका वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता आपका लूप क्या होता है, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। जैसे देखो यहाँ लिखा, लिखा क्या है, एक आपका कंडीशन बॉक्स बना हुआ है, लिखा इफ़ कंडीशन ट्रू लूप बॉडी, आपको लूप बॉडी चलता रहेगा, फिर सेकंड एलिमेंट भी जाएगा। बस मान लीजिए आपका रेंज दिया मैंने 0 से 50 तक के एलिमेंट आपको प्रिंट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया कंडीशन में, इफ़ एक्स इज़ लेस देन फिफ्टी देन आपको वैल्यू कहाँ से प्रिंट हो, पूरी आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, आप ये लिख रहा हो। ठीक है ना, तो अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 50 कब तक रहेगी, मतलब 0 से लेके 49 तक आपकी लेस देन रहेगी, जैसे 50 पे चलेगी आपका नहीं चलेगा क्योंकि आपने इक्वल टू नहीं यूज़ किया वहाँ पे, जैसे 50 पे आपका लूप क्या हो जाएगा, आपका लूप जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर चले जाओगे। लेकिन जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, 0 पे गया, हाँ 0 जो है 50 से छोटा है, आपका लूप बॉडी प्रिंट हो गया 0। फिर 1 पे गया, फिर कंडीशन चेक किया कि हाँ ठीक है 50 से छोटा है 1 तो ये प्रिंट हो गया। ऐसे 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 4 प्रिंट किया, 30 प्रिंट किया, 30 देखा क्या 50 30 से कम है, हाँ 30 कम है, 40 देखा 40 भी कम है, हाँ प्रिंट हो गया। अब आते हैं हम लोग 58 पे, 58 चेक किया तो हम 30 40 आपको ऐसे बता रहे हैं, लेकिन एक एक एलिमेंट इसे प्रिंट कराएगा, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको प्रिंट करा के देगा वो। ठीक है, फिर हम जाते हैं, अगर मान लो हम जाते हैं उस पर कि चलो ठीक, हम ये देख लेते हैं कि जो 50 वैल्यूज़ है वो कितना, कितनी लेस देन उससे है कि नहीं है। तो 50 पे जाते हैं, देखते हैं 50 तो लेस देन तो नहीं है, बट हाँ इक्वल, लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू भी नहीं, इक्वल टू है लेस देन नहीं है, तो इसलिए आपका लूप, आपका कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, आप लूप से बाहर चले जाते हो। ठीक है, ये आपको बेसिकली इफ़ का, इफ़ था, इफ़ लूप को बताई थी मैं कैसे होता है, आप इफ़ मतलब फॉर लूप बताई थी, बेसिकली फॉर लूप, व्हाइल लूप कैसे होता है, आपका कैसे यूज़ करते हो, तो इस लूप में आपको दोनों चीज़ कंसिडर हो जाती है। ठीक है, इसमें फिर आते हैं पर्पज़ ऑफ, क्या इसका पर्पज़ है, द लूपिंग स्पेसिफाई द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन टू द ईजी वन, इट इज़ एनेबल टू यूज़ द लेटर ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम सो दैट द इंस्टेंट ऑफ द राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन वी कैन रिपीट द सेम कोड फॉर द फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम्स वी कैन प्रिंट द इनसाइड लूप विच इज़ रन द अप टू 10 इटरेशंस। ठीक है ना, अब इससे बात है कि हम किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, बार बार हमें एक ही लाइन प्रिंट करानी है तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा उस प्रोग्राम को,
बहुत बार लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा ये होगा हम प्रोग्राम को एक बार लिखें, उसमें इटरेशन लगा दें। इटरेशन के साथ क्या हो, सारी वैल्यू आपकी हर हर बार कंडीशन ट्रू करे और हर बार आपका एलिमेंट क्या हो जाए, प्रिंट होके आ जाए। ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना ये करना, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें कि कैसे हमसे लिखा लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, आपको बोला जाए कि आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करिए, इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट ऑफ 10 टाइम्स, आप 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखो या प्रोग्राम लिखो। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, आप एक लूप लगा लो, फॉर लूप या वाइल लूप आप लगा लो, और दो लूप के साथ आप क्या करो, उस नेचुरल नंबर को लिखो, प्रोग्राम बनाओ उसका, आपकी सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट होकर आ जाएगी। एडवांटेज क्या लिखा, देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ लूप इन पाइथन, इट प्रोवाइड द कोड रीयूजेबल, आप कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हो, जो कोड आपने एक बार लिखा है प्रोग्राम के लिए आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हो। यूजिंग लूप वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन अगेन, हमें जब लूप यूज़ करते हैं तो हमें प्रोग्राम को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूजिंग लूप वी कैन ट्रावर्स ओवर एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एरे एंड लिंक लिस्ट एंड दे आर फॉलोइंग लूप स्टेटमेंट इन पाइथन, बोला कि जब भी हम लूप का यूज़ करते हैं हम ट्रावर्स करते हैं सारे एलिमेंट को, ट्रावर्स मतलब सारे एलिमेंट को के बाद इरिटेशन इटरेशन क्या करते हैं, इटरेशन हम करते हैं बाबा उस पर। इटरेशन करने के साथ हम क्या करते हैं, सारे वैल्यू को वन बाई वन हम प्रिंट कराते जाते हैं, सारे लूप को हम सारे एलिमेंट पे वन बाई वन का चलाते हैं और फिर हमें आउटपुट क्या होता है मिल जाता है, ठीक है। फिर आपका फॉर लूप आता है, दो तरह के लूप पढ़ने हैं आपको, फॉर लूप पढ़ना है और वाइल लूप पढ़ना है, ये दो आपके एग्जाम में, दो आपके सिलेबस में आपको ये दो पढ़ना है। द फॉर लूप इज़ यूज इन द केस वेयर नीड टू द एक्सिक्यूट द सम पार्ट ऑफ द कोड अनटिल द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाई। द फॉर लूप इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्री टेस्टेड लूप, इट इज़ बेटर यूज फॉर द लूप इफ द नंबर इटरेशन इज नोन एज एडवांस पर टेस्टेड लूप और प्री टेस्टेड लूप, ठीक है। द वाइल लूप इज यूज टू द सिनेरियो वेयर वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट इन द वाइल लूप अनटिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द वाइल लूप इज सेटिस्फाइड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्री टेस्टेड लूप। फॉर लूप को बोलते हैं पर टेस्टेड लूप, इसको बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। पर टेस्टेड मतलब कि हम कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं, फिर आपको पर स्टेटमेंट प्रिंट करा, कंडीशन चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट प्रिंट करा। इसमें क्या था, वाइल लूप में पहले वाइल लूप का स्टेटमेंट चेक होगा फिर आपका कंडीशन जो है उसको प्रिंट कराएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पाइथन फॉर, पहला इसमें पढ़ेंगे हम पाइथन फॉर लूप। इस दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, क्या होता है डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस जरूर लिख लीजिएगा। फॉर लूप वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का फ्लो डायग्राम याद कर लीजिएगा, दोनों का फ्लो डायग्राम के साथ आप डिफरेंस लिखेंगे ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। देख लो इसको एक बार सब लोग।